अथर्ववेदा के फॉलोअर्स के इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में जब पढ़ेंगे तो हमें ये मालूम होता है कि बाय द टाइम ऑफ पोस्ट ऋग्वेदा, ऋग्वेदा का दौर खत्म होने के बाद आर्यंस जो है सिंध से गंगा रिवर की तरफ माइग्रेट करे निकल गए, गंगा रिवर यानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ सफर के लिए निकले। फॉर दिस दे हैड टू डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट। अब चूंकि इलाका पूरा जंगल का था, ठीक है, जंगल से गुजरना होता था, तो आर्यंस को क्या जरूरत थी, जंगल को डिस्ट्रॉय किया जाए, जंगल को खत्म कर दिया जाए, जंगल को जला दिया जाए ताकि हम हमारे लिए रास्ता बने। फायर दे बर्न द फॉरेस्ट एंड क्लियर द लैंड फॉर एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस दे ट्राई दिस ट्राइब्स रीच द प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ने के लिए ईस्ट की तरफ बढ़ने के लिए सिंध से लेकर ईस्ट की तरफ बढ़ने के लिए वो लोगों ने जंगलों को आग लगा दी, जंगलों सारे झाड़ों को गिराकर उस जमीन को खेती बाड़ी करने के लिए तैयार किया, क्योंकि सफर के दौरान सिर्फ कंटिन्यूस सफर तो नहीं होता था, थोड़ा डिस्टेंस तय करते, 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने के बाद वहां पे रहते थे, साल दो साल चार साल रहकर वहां पर खेती बाड़ी करते, वहां पर जिंदगी गुजारते, फिर वहां से निकलते और 100-200 किलोमीटर का सफर तय करते, फिर एक मुकाम पर रहते थे, फिर वहां पे खेती बाड़ी करते, अपने बच्चों को पाल पोसते थे, इस तरह का सफर होता था। तो आर्यंस जब निकले ईस्ट की तरफ तो सबसे पहले उन्होंने फॉरेस्ट को गिराया, फॉरेस्ट को सफाया कर वहां पर खेत बनाए, ठीक है, खेत बनाकर आए। इसी तरह उन्होंने उत्तर प्रदेश के बाउंड्रीज तक के करीब पहुंचे। The scarcity of water in the Doab region of Satluj and Yamuna made them move forward towards the river Ganga place. अब चूंकि सतलज नदी और यमुना नदी बहुत बड़ी नदियां थी, ये बहुत गहरी नदियां थी, तो और इनके अंदर का इनका एक डर लोगों के दिलों में था कि भाई सतलज के पास जाएंगे तो आप बचेंगे नहीं, फिसल के गिर जाएंगे, नदी में मर जाएंगे। यमुना नदी का भी यही हाल था, इसीलिए ये लोग गंगा नदी की तरफ, गंगा तालाब, गंगा दरिया की तरफ अपना सफर शुरू करें। द आयरन एक्सेस वेर यूज टू चॉप ऑफ ट्री, लोहे के हथौड़ियों का इस्तेमाल होता था झाड़ों को काटने के लिए। देर इज अ रेफरेंस टू 6 and 8 ऑक्सन ड्रिवन क्लब इन अथर्ववेदा। एक बैल को हल चलाने के लिए, जमीन साफ करने के लिए बैल का इस्तेमाल होता था। बैल के पीछे एक ऐसी मशीन एक ऐसा रॉड बांध दिया जाता था जिसे बड़े बड़े लोहे के कीले होते थे। अगर एक बैल का इस्तेमाल होता तो वो कीले 6 होते थे, एक रॉड पर 6 कीले होते थे, ठीक है, और अगर वो रॉड 8 किलो का होता तो उस रॉड को खींचने के लिए 2 बैलों का इस्तेमाल होता था, ठीक है। लंबा हॉरिजॉन्टल रॉड है, उस रॉड पर बड़े बड़े नोकीले कीले होते थे जमीन को नरम करने के लिए, उस रॉड को खींचने के लिए उस रॉड पर रस्सी बन के बैल के गले में रस्सी बांधी जाती थी और बैल उस रस्सी को खींचता था, जिससे वो रॉड आगे बढ़ता हुआ आगे बढ़ता था जमीन को नरम करते हुए। 6 किलो का रॉड होता तो 1 बैल खींचता, 8 किलो का रॉड होता तो 2 बैल खींचते। 12 oxen-driven club is referred to in Ajurveda। एक एक रॉड तो इतने बड़े होते थे जैसे कि 60 या 70 आयरन के बड़े बड़े किलों का बना हुआ होता था। इतने बड़े रॉड को खींचने के लिए 12 बैलों का इस्तेमाल होता था, 12 बैल एक साथ खींचते थे, इसका भी अथर्ववेदा में जिक्र है। 12 बैल 12 oxen। This proves that the usage of oxen in agriculture increased. At this stage of Aryan's life, agriculture became more important than the hunting and animal husbandry. Whoever that was not involved in agriculture and business were called as yathras. Aryans के खानदान के वो लोग जो खेतीबाड़ी नहीं करते थे, harvesting नहीं करते थे, ज़िराद नहीं करते थे, उनको क्या कहते थे? यथरास कहते थे। यथरास यानी आर्यन खानदान के वो लोग जो खेती बाड़ी नहीं करते, विच मीन आउटसाइडर यानी बाहर के लोग, आउटसाइडर बाहर से आके रहे हुए लोग,
इलाके के लोग नहीं, आर्यन के लोग ने बाहर से आके रहने बसने वाले लोगों का मतलब है यतराज, यानी यतराज माने वो आर्यन खानदान के वो लोग जो खेती बाड़ी नहीं करते थे, उन्हें आर्यन नहीं समझा जाता था बल्कि बाहर से आके रहने वाले लोगों में उनका शुमार होता था। ऑक्सन बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट फॉर एग्रीकल्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, बैलों का इस्तेमाल खेती बाड़ी के लिए भी और बड़े बड़े सामानों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए भी बहुत इस्तेमाल होते थे। इट वॉज इन दिस बैकग्राउंड द आइडिया दैट वन शुड नॉट ईट काउज एंड ऑक्सन टू इट्स रूट एंड बिकेम एन इम्पॉर्टेंट इशू। अब चूंकि बैलों का इस्तेमाल बहुत होता था और गायों का इस्तेमाल दूध के लिए बहुत होता था, तो इसी वजह से उसी दौर से ये एक सोच लोगों के में पैदा हुई, एक नजरिया लोगों में पैदा हुआ कि भाई ये हमारे लिए बहुत अहम तरीन जानवर है, इन्हें मार के नहीं खाना चाहिए। उसी दौर से लेके आज तक ये अपोज होता है कि भाई गाय का गोश्त नहीं खाना है, गाय नहीं काटना है। हिंदू लोग जो अपोज करते हैं उसकी वजह यही है कि पहले के दौर में गाय और बैल का इस्तेमाल खेती बाड़ी में बहुत ज्यादा होता था। बट दिस प्रोहिबिशन वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू ऑल, द वेल्थ ऑफ अ पर्सन हु कैलकुलेटेड ऑन द नंबर ऑफ कैटल दैट हिज दैट ही पोसेस्ड। There is a reference to metals like gold, copper, iron, lead, brass and tin in Vedas. ठीक है, ऋग्वेद के अलावा दूसरे वेदास में सोने के बारे में, गोल्ड के बारे में, कॉपर मेटल के बारे में, आयरन के बारे में फेरस के बारे में, लोहे के बारे में और लेड के बारे में और ब्रास के बारे में और टिन, ये सारे मेटल के नाम है, इनका जिक्र आपको दूसरे वेदाज में मिलता है जो ऋग्वेदा के अलावा, जैसा कि सामा वेदा है, यजुर्वेदा है, अथर्वा वेदा, इन वेदाज में आपको इसका जिक्र मिलेगा। सिल्वर इज ऑल्सो रेफर्ड टू इन द वेदिक टेक्स्ट एज पर द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। There is no indication of iron mining and preparation before 1000 before common era in the river Ganga and river Sindhu areas. Iron mining का मतलब क्या है? जमीन के अंदर से लोहे के बारीक-बारीक पार्टिकल्स को निकालकर जमा करके उससे एक लोहे का एक सामान बनाने को iron mining कहते हैं। इसका जिक्र ऋग्वेद में नहीं है, ठीक है? It is believed that the technology of converting iron to steel was first found in West Asia and then later moved towards eastern countries after 10 before common era. ये माना जाता है, ये समझा जाता है कि लोहे को स्टील में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस शुरू हुआ, ठीक है, बिफोर 10 कॉमन एरा, ये वेस्ट एशिया में, वेस्ट का एशिया का मतलब जो आज इंडिया है, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान, ये वेस्ट में आता है, ठीक है, और ये रिवाज आहिस्ता आहिस्ता ईस्ट की तरफ शुरू हुआ, फैलता गया, इस तरह माना जाता है। द नॉलेज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इन नॉर्थन इंडिया बिकेम बिफोर कॉमन एरा इज वेरी बिग। द आयरन आर्टिफैक्ट आर्टिक्राफ्ट दैट वेर फाउंड इन अथरंजी केरा, जो कि आज का वेस्ट उत्तर प्रदेश है, वहां पे जो पहले के दौर के चीजें मिलते हैं, उससे ये मालूम होता है कि उस दौर में आयरन का इस्तेमाल भी शुरू हुआ था, आर्यंस के दौर में, यानी अथर्ववेदा के दौर में लोहे का इस्तेमाल भी शुरू हुआ था। ये किस तरह, इसका इशारा किससे मिला? उत्तर प्रदेश के वेस्ट इलाके में जो पुराने कदीम चीजें हमें लोहे के बने हुए मिले, उससे हमें ये मालूम हुआ। Now when you talk about political system, the southeast geographical edge during the final stage of Rigveda now became the central location of Aryans. Rigveda में जो southeast का जिक्र, जमीन का जिक्र है, southeast मतलब ये सिंध, जैसा कि कुरु है, पंचाला है, बाशा है, उशीना ट्राइब, ये सारे वो खानदानों के नाम है जो यहाँ पर बसे हुए थे, ठीक है। साउथ ईस्ट जियोग्राफिकल एज ड्यूरिंग द फाइनल स्टेज ऑफ ऋग्वेद नाउ बिकेम द सेंट्रल लोकेशन ऑफ आर्यंस। आर्यंस का कैपिटल बना हुआ था कौन सा? वो इलाका जो ऋग्वेद में साउथ ईस्ट के तौर पर जिक्र है, ठीक है।